जैसा कि हम सब जानते हैं, बचपन में जब हम लिखते थे तो कितनी गलतियां होती थी, क्योंकि हम उस समय सीख रहे होते थे, इसलिए पेंसिल से लिखे हुए कई वर्ड्स हमसे गलत हो जाया करते थे, जिन्हें हमें इरेजर के मदद से मिटाकर दोबारा लिखना पड़ता था। वह मिटाने का महत्वपूर्ण कार्य इरेजर करती है। हम पेंसिल के लिखे हुए को इरेजर से मिटाकर दोबारा लिख सकते थे, मगर पेन से एक बार लिखने के बाद हम उस लिखे हुए वर्ड्स को मिटा नहीं सकते, उसके लिए हमें उसको काटना ही पड़ता है या फिर पेज फाड़ना पड़ता है। अगर बचपन में इरेजर ना होती और हम लिखे हुए वर्ड्स को नहीं मिटा पाते तो शायद बहुत सारी नोटबुक लिख लिख कर भर चुके होते। इरेजर से पहले पेंसिल के लिखे को मिटाने के लिए ब्रेड के टुकड़े का उपयोग किया जाता था। क्या आपको पता है कि इरेजर कैसे बनता है और इरेजर का आविष्कार किसने किया था? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इरेजर कैसे बनता है और आविष्कार किसने किया था। इरेजर का आविष्कार जानने से पहले हमें रबड़ के बारे में जानना होगा। रबड़ का इतिहास। बहुत पहले से मध्य और दक्षिण अमेरिका के निवासी रबड़ के बारे में जानते थे। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका इस्तेमाल कपड़ों को कोट करने, गेंदों को बनाने के लिए, जूते बनाने के लिए और बोतलें बनाने के लिए भी किया जाता था। सबसे अधिक रबर होविया ब्रेजिलियंसिस नामक पेड़ों से प्राप्त होता है। यह अमेरिका के अमेज़न नदी के जंगलों में उगता था और अब भारत के त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर, मलाबार, कुर्ग, सलेम और श्रीलंका में उगाया जाता है। 5 वर्ष के हो जाने पर पेड़ से लैटेक्स निकलना शुरू होता है और लगभग 40 वर्षों तक निकलता रहता है। रबड़ को बनाने के लिए होविया ब्रेजिलियंसिस नामक पेड़ों के तनों में छेद करके उसमें से जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे इंग्लिश में लैटेक्स कहते हैं, लैटेक्स को एकत्रित करके उसे सुखाया जाता है। इसके बाद इस लैटेक्स को केमिकल्स के साथ टेस्टिंग करते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी वाला रबड़ बना सके। ये तो हो गई रबड़ की बात, अब आते हैं इरेजर पे। इरेजर का इतिहास। पुराने टाइम में जब तक रबर के बारे में किसी को पता नहीं था और उस टाइम कोई ऐसी चीज भी उपलब्ध नहीं थी जिससे पेंसिल के निशान मिटाए जा सके, इसलिए ब्रेड के टुकड़े इस्तेमाल में लाए जाते थे। आज हम जो इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, लगभग 1770 से पहले मोम की गोलियों का इस्तेमाल कागज से चारकोल के निशान मिटाने के लिए किया जाता था। स्याही में लिखे चर्मपत्र या पपायरस दस्तावेजों से छोटी छोटी भरर को दूर करने के लिए बलुआ पत्थर या खुरदरे पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। इरेजर कैसे बनता है? इरेजर में सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल रबर है। रबर प्राकृतिक या सिंथेटिक हो सकता है। रबर में कुछ इंग्रेडिएंट्स जोड़ के रबर का रंग बदला जाता है। व्हाइट कलर की रबर का प्रोडक्शन जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड से किया जा सकता है। आयरन ऑक्साइड द्वारा लाल कलर का प्रोडक्शन किया जा सकता है और वेरियस ऑर्गेनिक रंगों से कई अन्य रंगों का प्रोडक्शन किया जा सकता है। लगभग सभी रबर में इस्तेमाल किए जाने वाला एक क्रिटिकल कंपोनेंट सल्फर है। जब सल्फर में रबर को मिलाया जाता है तो रबर अधिक सस्टेनेबल पदार्थ में बदल जाता है। इस प्रक्रिया का आविष्कार 1839 में चार्ल्स गुडियर द्वारा किया गया था। रबर में कई अन्य सामग्री मिलाई जा सकती है। इनमें रबर को नरम बनाने और आकार देने के लिए वेजिटेबल ऑयल और प्यूमिस स्टोन, जो एक नेचुरल मिनरल्स है, मिलाए जाते हैं, जो रबर को अधिक अब्रेसिव, मतलब घिसने या रगड़ने वाला बनाता है, जिसे पेंसिल के लिखे हुए को मिटाना आसान हो जाता है। इरेजर का आविष्कार किसने किया? इरेजर का आविष्कार इंग्लैंड के इंजीनियर एडवर्ड नेन ने किया था। सन 1770 में एक दिन एडवर्ड नेन ने कुछ मिटाने के लिए ब्रेड की जगह गलती से रबड़ का टुकड़ा उठा लिया और उन्होंने देखा, जैसे कि ब्रेड से पेंसिल का लिखा हुआ मिटा सकते हैं, वैसे ही रबड़ से भी मिटा सकते हैं। और उस दिन उन्हें रबड़ की इस प्रॉपर्टी का पता चला और उन्होंने दुनिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने रबर की इस प्रॉपर्टी का आविष्कार किया और दुनिया को बताया कि रबर के इस टुकड़े से पेंसिल से लिखे हुए अक्षरों को आसानी से मिटाया जा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने यह आविष्कार किसी लैब में बैठकर नहीं किया था, बल्कि गलती से हो गया था। 30 मार्च 1858 को संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया के हाइमेन लिपमैन नाम के वैज्ञानिक ने एक पेंसिल के ऊपर में इरेजर को जोड़ के उसको अपने नाम पे पहला पेटेंट कराया। कुछ दिन बाद इस पेटेंट को अमान्य कर दिया गया। अमान्य इसलिए किया गया क्योंकि यह कोई आविष्कार नहीं था। दरअसल यह बस दो चीजों को आपस में जोड़ के उसे लोगों के सामने रखना था, या ऐसे कह सकते हैं दो चीजों का एक कॉम्बिनेशन था।